मित्रों, और बिल्कुल 6-8 तो हम पहुँच चुके हैं। एकदम अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर अब सुबह होने वाली है। और आते से ही हमारे को खरगोश दिख गया, एक माउस की स्पीशीज होती है वो दिख गई, और बर्ड्स भी बहुत सारी दिखी है। तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। फ़ोटो नहीं ले पाए, अंधेरा बहुत था और गाड़ी की आवाज़ से वो भाग गए, परंतु हम ये देख चुके हैं। सो भैया, स्टार्टिंग अच्छी हुई है। चलिए देखते हैं आज क्या क्या मिलता है और क्या क्या आपको सिखा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जंगली घुमक्कड़ में। स्टार्टिंग में स्वागत ज़्यादा कर पाया नहीं था, 6-8 पे आ गया था जैसे आप जानते हैं। और सुबह बहुत अच्छी रही, बहुत गजब की रही। अभी भी हमारे को कुछ नई चिड़िया देखने को मिली, कुछ अच्छे सीन देखने को मिले। तो और स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है, और देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है। मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो मैं उसकी फ़ोटो लेता हूँ पहले, फिर चलते हैं। तो बात कर लेते हैं अब वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी की। तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें, सबसे बेसिक चीज़ है कि आपकी कैमरा सेटिंग। फ़ोटोग्राफी जितनी भी है वो सब होती है मैनुअल में, ऑटो में कोई फ़ोटोग्राफी नहीं होती है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी ऑटो में कर रहे हैं तो वो रियल फ़ोटोग्राफी नहीं है। चैलेंज आता है मैनुअल फ़ोटोग्राफी में। मैनुअल फ़ोटोग्राफी में ही आप सब कुछ सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से फ़ोटो ले सकते हैं। क्या सिचुएशन है, क्या लाइटिंग है, उस हिसाब से आपको पूरा मैनुअल आना चाहिए। और मैनुअल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। शटर स्पीड हो गई, ISO हो गया, आपका एपर्चर हो गया। जितना कम एपर्चर उतना पीछे का ब्लर, जितना खुलेगा उतना ज़्यादा एरिया कवर होगा। तो सिंपल सी चीज़ है। बात कर लें ISO की, तो ISO लाइटिंग पे वर्क करता है। और जैसी लाइटिंग है, अगर वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो मैं मोस्टली बोलूँगा कि ISO ऑटो रखिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। परंतु ISO जाना चाहिए 3200 तक, उससे ऊपर आप नहीं रखिएगा। तो ये एक चीज़ हो गई। बात हो गई शटर स्पीड की, तो शटर स्पीड आपके ऊपर है कि सिचुएशन क्या है और क्या आप देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई बर्ड है, तो मान लीजिए कि अगर कोई छोटी बर्ड है, जैसे मान लीजिए सनबर्ड हो गई, पर्पल सनबर्ड, जिसके मैं बहुत फ़ोटो डाल चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी, तो वो हो गई। तो वो उसके लिए मुझे 2000 से ऊपर का शटर स्पीड रखना पड़ता है, क्योंकि उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और उसको कैच करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको 2000 के ऊपर रखना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि जितनी छोटी बर्ड होगी उतना ज़्यादा शटर स्पीड इसलिए भी रखना पड़ेगा ताकि ब्लर ना हो। तो वो उड़ रही है तो उसके जो उसके विंग्स पूरे अच्छे से कैप्चर हो सके। तो ये एक चीज़ हो गई। लाइटिंग कंडीशन अगर कम अच्छी नहीं है, जैसे मान लीजिए सुबह का टाइम होता है जब सूर्य निकलते हैं, तो तब आपको कम से कम शटर स्पीड कम रखनी चाहिए। जैसे 600 mm का लेंस हो गया, तो इस पर 1000 का बोलते हैं, परंतु सुबह के टाइम बहुत सी बार होता है कि लाइटिंग अच्छी नहीं होती, तो आप 600 के नीचे भी रख सकते हैं। परंतु आप कहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, कैसे फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं वो भी, और साथ ही साथ अगर आप हैंडल हैंड कर रहे हैं तो आपके हाथ में इतनी पकड़ होनी चाहिए कि ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो और आप इजीली कैच कर सकें, सब्जेक्ट हो जो भी है तो उसको कैच कर सकें। तो ये हो गया। तो ये बेसिक चीज़ है, कोई ज़्यादा वो क्या बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, इजीली सीख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं और क्या चाहिए वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पेशेंस। पेशेंस के बिना कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो पेशेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ फिर आता है मूवमेंट्स, कि आपकी बॉडी मूवमेंट। तो मैं कह रहा था कि फिर आता है मूवमेंट्स, आपके किस तरह से मूवमेंट्स रहते हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए सामने एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि
सब्जेक्ट की जगह बोल लीजिए कि गिलहरी बैठी है, या फिर बोल लीजिए कोई बर्ड है, तो आपका कैसा मूवमेंट होना चाहिए? एकदम स्लो स्लो और स्टडी होना चाहिए, और तभी ही जाके आपको फोटो मिलेगी। अगर आपने यहाँ पे हापड़ तोबड़ कर दिया, यानी जल्दी कर दिए, यानी आपने जोर से हाथ हिला दिया, या फिर आप अचानक से उड़ गए या इधर उधर हिलने लग गए, तो सब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा और आपकी जो मेहनत थी वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मोमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, कितना शांत रह सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ के अंदर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके आँख, कान और नाक, ये तीनों की तीनों चीज़ें खुली रहनी चाहिए हर टाइम, क्योंकि आँख देखेगी, कान सुनेंगे और नाक से आपको स्मेल आ सकती है आसपास की, कि जैसे कोई शिकारी जानवर हुआ उसने अगर कुछ मारा है तो आपको स्मेल आ सकती है। तो ये तीनों सेंस आपकी ये खुली रहनी चाहिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कान तो हर टाइम और आँख तो हर टाइम खुले ही रहने चाहिए, क्योंकि आँख अगर मान लीजिए नीचे सांप है और आपका ध्यान नहीं है, आप ऊपर देख के चल रहे हैं मस्त मस्त और नीचे ध्यान नहीं आपका, उसने काट लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और अगर वो जहरीला निकला तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें कान इसलिए कि आप दूर दूर तक का सुन सकते हैं, जितना आप शांत रहेंगे दूर की आपको आवाज़ आएगी और आप इजीली कोई भी चिड़िया हो या कोई और जानवर हो उसे आप कैच कर सकते हैं। तो ये एक और चीज़ हो गई। फिर आती है ड्रेसअप, आपकी ड्रेसअप क्या है? चटकीले कलर ये वाइल्ड लाइफ के अंदर नहीं चलते हैं, कैमोफ्लाज कलर आपको पहनने चाहिए और कैमोफ्लाज कलर ही आपको हेल्प करेंगे। तो आपके कपड़े बहुत मायने रखते हैं, आपके जो जूते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, जूते आप किस टाइप तरह के यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक और चीज़ें हो गई। फिर बात आती है कि क्या कैमरा, जैसे हमारे पास है कैनन ईओएस 90D, तो क्या कैमरा हमारे को अच्छा लेना चाहिए, प्रोफेशनल लेना चाहिए, बिगनर वाला लेना चाहिए, एडवांस वाला लेना चाहिए? तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है 50-60,000 के आसपास भी आपको मिल जाएंगे, उनसे स्टार्ट करनी चाहिए। बिगनर लेवल भी आप ले सकते हैं अगर आपको बजट नहीं है, स्टार्टिंग के लिए ले सकते हैं, पर आप फोकस रखिए कि लेंस जो है वो कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो ठीक है, लेंस का सबसे ज़्यादा कमाल होता है, तो लेंस पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो ये एक और चीज़ हो गई। और कितने प्रकार के ले सकते हैं वो तो आपके बजट के ऊपर है, आप कितने ले सकते हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ एक 600mm है, एक मैक्रो है और एक जो इसके साथ आता है वो वाला है लेंस। तो ये तीन लेंस है हमारे पास अभी, तो और इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है, और इच्छा है 800 लेने की या उससे ऊपर लेने की, पर वो बात की बात है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई। अब बात आती है कि आप फोटो कैसे ले सकते हैं। तो मान लीजिए अभी तो आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पे बर्ड है और आपके पास 600mm है, तो भी आप डिसेंट फोटो ले सकते हैं, क्योंकि 600mm पे इतनी अच्छी नहीं जाएगी, दूरी बहुत हो गई है। पर तब भी अगर आपको लेना है तो आप सीन के हिसाब से ले सकते हैं, एक सब्जेक्ट को अपने थर्ड रूल के हिसाब से लेफ्ट में रख दिया या राइट में रख दिया और सीन क्रिएट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं। थर्ड रूल आप बोलोगे ये थर्ड रूल क्या आ गया, तो थर्ड रूल होता है कि आपको जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए बर्ड है, तो बर्ड या तो राइट में हो या लेफ्ट में हो, कभी भी सब्जेक्ट सेंटर में ना हो। सेंटर में होगा फोटो अच्छी नहीं आएगी, फोटो में मज़ा नहीं आएगा और एक वो सेंस क्रिएट नहीं होती है। तो ये भी एक बेसिक चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए, और बहुत लोग ध्यान नहीं रखते हैं, सेंटर में रखते हैं। सेंटर में बहुत रेयरली चीज़ें अच्छी लगती है, तो सेंटर का कुछ ऐसा ही है। तो थर्ड रूल का यूज़ करें। अब मैंने जैसे बताया कि मैं हैंडल हैंड फोटोग्राफी करता हूँ, मुझे ट्राइपॉड कम पसंद आता है, तो हैंडल हैंड में आपको पूरा आपके हाथ पांव मजबूत होने चाहिए, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें मजबूत होगी, आपके जो हाथ का शेक करता है अगर ज़्यादा तो वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बॉडी आपकी हेल्दी होनी चाहिए, आप एकदम फिट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है कि अगर आप मोटे हैं तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, परंतु आप चलना, आपको बहुत किलोमीटर चलने पड़ सकते हैं, आपको कहीं कहीं लेटना पड़ सकता है और अचानक से उठना भी पड़ सकता है, तो उन चीज़ों के लिए आपकी बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए। और
सिचुएशंस यहाँ पर आपको ऐसी नहीं है कि आपको 5 स्टार वाली मिलने वाली है, यहाँ पर पूरा जंगल है और पूरा आपको एकदम जंगली चीज़ मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए आपका माइंड रेडी होना चाहिए। मैंने लेपर्ड सेंचुरीज के अंदर पैदल भी किया है जो कि आप देख भी चुके हैं, तो ओवरऑल सिचुएशंस के हिसाब से आपके मूवमेंट्स, आपके बिहेवियर बहुत मायने रखता है। एनिमल अगर सामने आ जाए तो आपको शांत रहना है, अगर कोई शिकारी जानवर है तो आपको कभी भी पीठ नहीं दिखानी है, क्योंकि अगर आप पीठ दिखाएंगे तो वो उसको अटैक करने के लिए इजी ऑप्शन मिल जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में चाहिए। अब यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ आपको फोटो लेके दिखा सकें और बता सकें कि किस तरह से आप फोटो ले सकते हैं हैंडल हैंड। चलिए मिलते हैं आपसे, और आशा करता हूँ अभी तक वीडियो आपको पसंद आया होगा।